नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है इफ़ यू इक्वल एक्स साइन इनवर्स वाई अपोन देन प्रूव दैट हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है ठीक है अब देखो ये जो फंक्शन है ना एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स वाई अपोन एक्स साइन इनवर्स वाई अपोन एक्स कि ये वाई अपोन एक्स का फंक्शन है और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एक्स है और उसकी पावर वन है यानी कि ये फंक्शन यू जो है ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री वन का तो यहाँ पे हम पहले आइलर्स थ्योरम यूज कर लेंगे और फिर आइलर्स थ्योरम से ये रिजल्ट निकाल लेंगे ठीक है तो सल्यूशन स्टार्ट करते हैं यू इक्वल एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन डिग्री वन का होमोजीनियस फंक्शन है बाय आइलर्स थ्योरम तो आइलर्स थ्योरम से क्या बनेगा रिजल्ट एक्स डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल्यू बाई डेल वाई इक्वल होगा यू एन यू होता है ना और एन यहाँ पे वन है ठीक है हमें प्रूव ये वाला रिजल्ट करना है तो इस रिजल्ट से ये रिजल्ट कैसे निकलता है इस रिजल्ट को एक बार एक्स के लिए डिफरेंशियट कर लो फिर इस, इसी रिजल्ट को वाई के लिए पार्शियली डिफरेंशियट कर लो और फिर दोनों उन इक्वेशन से रिजल्ट निकल जाता है तो ये सपोज इक्वेशन वन है तो मैं लिखती हूँ डिफरेंशियट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट इक्वेशन वन का आंशिक अवकलन करने पर तो x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं देखो ये x है मल्टीप्लीकेशन में x का फंक्शन है तो यू इंटू वी रूल से होगा तो पहले हम एक्स को एजिट इज सॉरी x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स को इज रखते हैं प्लस एक्स को एजट इज रखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के विद रिस्पेक्ट तो एक बार ऑलरेडी हो रखा था एक और बार किया था तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया अब यहाँ पे y तो कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि x के लिए कर रहे हैं और इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल सॉरी ठीक है तो अभी देखो इधर भी डेल्यू बाई डेल एक्स है इधर भी डेल्यू बाई डेल एक्स है तो ये आपस में हो गया कैंसिल तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल जीरो इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब हम इक्वेशन नंबर वन का वाई के विथ रिस्पेक्ट पार्शल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट वन partially with respect to y y के विद रिस्पेक्ट वन का पार्शियली पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं आंशिक अवकलन करते हैं तो एक्स तो कॉन्स्टेंट है इसका हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस यहाँ पे वाई uh, का करेंगे तो वाई का वन डेल यू बाई डेल वाई एज इट इज प्लस वाई एज इट इज डेल यू बाई डेल वाई का हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल यू का हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई ठीक है तो देखो यहाँ पे भी डेल्यू बाई डेल वाई से डेल्यू बाई डेल वाई कैंसिल हो गया तो ये आ रहा है एक्स डेल टू यू अपॉन इसे हम डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल जीरो ये इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है अब हमें जो रिज़ल्ट प्रूव करना है ना वो हम टू एंड थ्री से ऑब्टेन करेंगे तो जो रिज़ल्ट प्रूव करना है उसमें हमें इसकी इसके साथ एक्स स्क्वायर चाहिए इसके साथ एक्स वाई चाहिए और इसके साथ वाई स्क्वायर चाहिए तो हम इक्वेशन नंबर टू को एक्स से और थ्री को वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो इक्वेशन नंबर टू को एक से मल्टीप्लाई करना है प्लस थ्री को वाई से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस ये वाला हो जाएगा एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई टू और इस तरफ ज़ीरो आएगा ठीक है तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल ज़ीरो और यही रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू इक्वल टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपोन एक्स प्लस वाई तो हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है डिफरेंट कैसे देखो अगर हम यहाँ पे ये जो यू इक्वल है टेन इनवर्स इसमें यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा वन प्लस वाई अपोन एक्स की पावर थ्री ठीक है और ऊपर अपोन uh, में जो है हम मान लो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा वन प्लस वाई अपोन एक्स की पावर वन राइट अच्छा ये जो कांस्टेंट है इसे हम लिख सकते हैं वाई अपोन एक्स की पावर ज़ीरो और इसको भी वाई अपोन एक्स की पावर ज़ीरो और ये कैंसिल होके पावर हो गई टू तो ये हमारे पास ना टेन इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ ये जो बन रहे हैं ना ये बन रहा है फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स ठीक है तो अगर ये सिर्फ इतना होता ना तब तो हम कह देते कि ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री टू का लेकिन इसके साथ टेन इनवर्स है तो हम नहीं कह सकते तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा हम इस टेन इनवर्स को इस तरफ लेके आएंगे कि यू तो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है लेकिन अगर टेन इनवर्स को इधर ले आते हैं टेन यू बना लेते हैं तो टेन यू जो है वो होमोजिनियस फंक्शन हो जाएगा डिग्री टू का ठीक है इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं इस टेन इनवर्स को इस तरफ यू के साथ लिखती हूँ एंड ऑफकोर्स ये सोल्यूशन uh, था here. तो टेन यू इक्वल बनेगा एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स ठीक है uh, इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू टेन यू यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री टू का ठीक है तो हम आइलर्स थ्योरम यूज़ करेंगे सो so, बाय आइलर्स थ्योरम आइलर्स थ्योरम एक्स डेल बाय डेल एक्स यहाँ पे आता है होमोजीनियस फंक्शन ठीक है हमेशा क्या होता है यू होमोजीनियस फंक्शन होता है तो हम क्या लिखते हैं एक्स डेल यू बाय डेल एक्स क्योंकि यू होमोजीनियस फंक्शन है लेकिन यहाँ पर टेन यू होमोजीनियस फंक्शन है तो एक्स डेल बाय डेल एक्स के साथ आएगा टेन यू बस ये ध्यान रखना है यही मिस्टेक हो जाती है इसमें वाई डेल बाय डेल वाई के साथ भी आएगा टेन यू ठीक है इक्वल एन यू होता है तो डिग्री तो टू है और फंक्शन यू नहीं है फंक्शन टेन यू है ठीक है अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एक्स टेन यू का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक्स स्क्वायर यू साथ में आ गया डेल यू बाय डेल एक्स यहां पर भी सेक्स स्क्वायर यू साथ में आ गया डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू टेन यू ठीक है आप देखो ये जो सेक्स u यू है ये कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज देते हैं अपन तो एक्स डेल यू बाईल बाई टू अच्छा टेन यू को हम लिख सकते हैं साइन यू अपॉन कोस यू और ये सेक्स स्क्वायर यू उस तरफ जाएगा तो वन अपॉन सेक्स स्क्वायर होगा यानी कि कोस स्क्वायर यू ठीक है ये कैंसिल हो गया तो ये बन रहा है टू साइन यू कोस यू टू साइन यू कोस यू यानि कि साइन टू यू ठीक है तो हमारे पास एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल आ रहा है साइन टू यू अब हमें जो रिजल्ट डिराइव करना है वो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स टू वाला वो रिजल्ट है ठीक है तो उसके लिए हमें पता ही है क्या करते हैं ये वन है वन को एक बार एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक बार वाई के लिए फिर एक्स के लिए जहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट किया वहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके और वाई के लिए जहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट किया उसे वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे ठीक है तो डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स टू वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल साइन टू यू साइन टू यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू कोस टू यू डेल यू बाय डेल एक्स देखो साइन टू यू का कोस टू यू टू यू का टू और साथ में डेल यू बाय डेल एक्स आएगा क्योंकि ये यू का फंक्शन है और डिफ्रेंशियशन हम एक्स के विथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा करते हैं हम इस डेल्यू बाई डेल एक्स वाले टर्म को उस तरफ लेके लिख देते हैं एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स टू वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल ये बनेगा टू कोस टू यू माइनस वन डेल यू बाय डेल एक्स इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब हम इक्वेशन नंबर वन का वाई के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियशन करेंगे तो डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई y के लिए पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं वन को तो ये x कॉन्स्टेंट होगा इसका होगा डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई यहाँ पे y का जब करेंगे तो डेल u बाय डेल वाई वाई को जब एज इट इज रखेंगे तो डेल टू यू बाय डेल वाई टू साइन टू यू का होगा टू कोस टू यू साथ में आएगा डेल यू बाय डेल वाई ठीक है अब हम इस डेल यू बाई डेल वाई को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई वाई डेल टू यू बाय डेल वाई टू इक्वल टू कोस टू यू माइनस वन डेल यू बाय डेल वाई ठीक है इक्वेशन नंबर थ्री अब हमें क्या करना है हमें करना है टू को एक्स से मल्टीप्लाई प्लस थ्री को वाई से मल्टीप्लाई ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड तो जो है वो हमें जो प्रूव करनी है वो बन जाएगी मैं ये ट्वाइस लिख रही हूँ क्योंकि हम दो बार ऑलरेडी कर चुके हैं हमें पता है ये ट्वाइस हो जाएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई टू ठीक है अब उस साइड पे देखो टू एंड थ्री में ये टू कोस टू यू माइनस वन कॉमन आ रहा है तो ये मैं कॉमन ले कर लिख रही हूँ टू कोर्स टू यू माइनस वन ठीक है यहाँ हमने एक से मल्टीप्लाई कर किया है और इसमें वाई से ठीक है तो ये हमारा जो रिज़ल्ट इक्वेशन नंबर वन वाला वो बन रहा है तो इक्वेशन नंबर वन से इसकी वैल्यू थी साइन टू यू तो मैं यहाँ पे साइन टू यू पुट कर देती हूँ और जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से हमें पूरा जो रिज़ल्ट है वो साइन में चाहिए था तो ये कोर्स टू यू का भी हम साइन वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ साइन टू यू और इसमें वो फॉर्मूला पुट कर रही हूँ तो कोर्स टू यू यहाँ लिख देती हूँ देखो कोस टू एक्स के दो फॉर्मूलाज होते हैं एक तो होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हमें साइन वाला चाहिए तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर रही हूँ तो टू कोस टू यू की जगह आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर यू ठीक है माइनस वन और ये है साइन टू यू ठीक है अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये बनेगा टू माइनस फोर साइन स्क्वायर यू माइनस वन ठीक है और साइन टू यू ठीक है तो देखो ये टू और ये माइनस का वन तो वन बचेगा तो ये आ रहा है हमारे पास रिजल्ट साइन टू यू वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू और यही हमें प्रूव करना था तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था पहले वालों से तो इन क्वेश्चंस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आयलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए यूज़ की जाती है तो जब हम एक्स uh, के साथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स लिखते हैं वो होमोजीनियस फंक्शन का लिखते हैं तो वहाँ ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे हमने टेन यू लिखा यू नहीं लिखा बस यही मिस्टेक होती है तो थोड़ा सा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चनस को करना है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो एक्चुअली आइलर्स थ्योरम जो है वही है तीन वेरिएबल के लिए देखो एफ Uh, तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड का फंक्शन है इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एंड दैन प्रूव दैट तो हमें ये आयलर्स वाला रिजल्ट प्रूव करना है तो देखो हमने आयलर्स थ्योरम जो है वो टू वेरिएबल के लिए तो प्रूव कर दी थी और एनएथ के लिए मैंने जनरलाइज रिजल्ट भी लिखा था लेकिन तीन के लिए कैसे प्रूव करेंगे अब तीन के लिए जब बता दूंगी तो फिर एनएथ के लिए भी कैसे प्रूव करेंगे ये हो जाएगा ठीक है तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं सल्यूशन क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है एफ तो हमें पता है एन डिग्री का है तो एक्स की पावर एन हमने कॉमन लिया अंदर बनेगा ये वाई अपोन एक्स एंड जेड अपोन एक्स का फंक्शन ठीक है अब देखो हम ऐसा करते हैं लेट वाई अपोन एक्स जो है इसको यू मान लेते हैं और जेड अपोन एक्स है इसको वी मान लेते हैं ठीक है तो हमारा एफ़ जो है ना वो हो जाएगा एक्स की पावर एन एफ यू वी का फंक्शन ठीक है अब हमें निकालना है डेल एफ बाय डेल एक्स हमें इसको एक्स के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो ये यू इन टू वी रूल से होगा क्योंकि देखो एक्स की पावर n तो सीधे सीधे f का एक्स का फंक्शन है और ये u और v का फंक्शन है एंड u एंड v आगे एक्स वाई जेड के फंक्शंस है ठीक है तो डेल एफ बाई डेल एक्स में पहले हम x की पावर n का करते हैं ये होगा n x की पावर n माइनस वन एफ ऑफ यू वी एज इट इज प्लस एक्स की पावर एन एज इट इज एफ का करेंगे तो एफ का तो होगा एफ डैश ठीक है तो मैं इसे लिख देती हूँ डेल एफ देखो एफ का हमें एक्स के विद रिस्पेक्ट करना है लेकिन एफ हमारा डायरेक्टली यू और वी का फंक्शन है तो एफ का यू के विद रिस्पेक्ट होगा इसलिए डैश नहीं लिखा हमने क्योंकि एक ही वेरिएबल होता तो हम डैश लिख देते अभी दो वेरिएबल है तो एफ का यू के लिए भी करना होगा एफ का वी के लिए भी करना होगा तो डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल यू बाय डेल एक्स ठीक है चैन रूल लगाए हैं हमने ये एफ जो है ये यू और वी दो वेरिएबल का फंक्शन है हम कर रहे हैं एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट पार्शियली तो पहले हम इसे यू के लिए करेंगे और फिर यू को एक्स के लिए करेंगे ठीक है फिर एफ को वी के लिए करेंगे और वी को एक्स के लिए करेंगे ठीक है तो एफ का हम वी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और वी का एक्स के विद रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है तो देखो ये तो एज इट इज रहने देंगे हम डेल एफ अपॉन डेल यू एंड डेल डेल एफ अपॉन वी ये जो है डेल 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 यू एक्स एक्स एंड वी ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे ठीक तो है तो डेल यू डेल एक्स क्या आएगा यू को एक्स के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई कॉन्स्टेंट है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और डेल वी बाई डेल एक्स जो है ये हो जाएगा माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ यू वी प्लस एक्स की पावर एन ये होगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल यू और ये होगा माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वी राइट अब हमें क्या करना है हमें इसको x से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स की पावर एन एफ ऑफ यू वी ठीक है यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में एक पावर के जो अपोन में पावर टू है उसमें से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक यहाँ माइनस में लिखी जाएगी तो, लिख तो माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन वाई डेल एफ अपॉन डेल यू माइनस

एफ योर वी का फंक्शन है योर वी आगे जो है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन है इनफैक्ट वी तो है भी नहीं वाई का फंक्शन ठीक है तो अगर हम करेंगे भी उसका सॉरी देखो वी जो है वो अपॉन वाई नहीं आ रहा तो अगर हम इस तरह से लिख भी देंगे तो भी वो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ठीक है तो मैं लिख देती हूँ पूरा एफ uh, का होगा यू के विद रिस्पेक्ट यू का होगा वाई के विद रिस्पेक्ट प्लस एफ का वी के विद रिस्पेक्ट वी का वाई के विद रिस्पेक्ट ठीक है अब क्योंकि यू इक्वल तो है वाई अपॉन एक्स तो डेल यू बाय डेल वाई जो है वो तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स ठीक है और वी इक्वल है जेड अपॉन एक्स तो डेल वी अपॉन डेल वाई जो है वो हो जाएगा जीरो क्योंकि वी वाई का फंक्शन ही नहीं है कॉन्स्टेंट है वो तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे मैं ऐसा करती हूँ इसको वाई से भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ डेल एफ अपॉन डेल वाई ये वाला पार्ट तो हो गया ज़ीरो ठीक है ये कितना आएगा एक्स की पावर एन डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो है वन अपॉन एक्स ठीक है तो ये वन अपॉन एक्स हम यहाँ पुट करेंगे और वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तो वाई मल्टीप्लीकेशन में आएगा और एक ही एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी ठीक है डेल एफ अपॉन डेल यू और ये वाला पार्ट हो गया जीरो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू अब जैसे हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई कैलकुलेट किया है हम डेल एफ अपॉन डेल जेड कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्स की पावर एन जो है ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा जेड के लिए भी ये डेल एफ अपॉन डेल यू डेल यू अपॉन डेल जेड बन जाएगा ये डेल एफ अपॉन डेल वी डेल वी अपॉन डेल जेड बन जाएगा ठीक है तो मैं लिख देती हूँ डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल एक्स की पावर एंड एज इट इज डेल एफ अपॉन डेल यू डेल यू बाय डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल वी डेल वी बाय डेल जेड ठीक है अब यहाँ पे यू जो है उसमें जेड नहीं आ रहा तो डेल यू बाय डेल जेड जीरो होगा वी में जेड आ रहा है तो डेल वी बाय डेल जेड वन अपॉन एक्स होगा ठीक है मैं ये यहाँ पर लिख देती हूँ यू इक्वल है वाई अपोन एक्स तो डेल यू बाय डेल जेड जो है वो हो जाएगा जीरो और v इक्वल है z अपॉन एक्स तो डेल v बाय डेल जेड हो जाएगा वन अपॉन एक्स ठीक है हम ये वैल्यू रख रहे हैं साथ में हम इसे z से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो z डेल f अपॉन डेल जेड ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन जेड डेल एफ अपॉन डेल वी इक्वेशन नंबर थ्री अब हमें करना क्या है वन प्लस टू प्लस थ्री करना है वन प्लस टू प्लस थ्री इम्प्लाइज तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें पता है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स y डेल एफ अपॉन डेल वाई जेड डेल एफ अपॉन डेल z आएगा इसमें वैल्यू आई थी n x की पावर n माइनस सॉरी x की पावर n हो गया था f यू वी ठीक है फिर था माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन वाई डेल एफ अपॉन डेल यू माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन जेड डेल एफ अपॉन डेल वी ठीक है ये तो इसकी वैल्यू थी अब टू से हम वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की रखेंगे तो ये है प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन वाई डेल एफ अपॉन डेल यू और यहाँ से ये है प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन जेड डेल एफ अपॉन डेल वी ठीक है हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी अब देखो हमें साफ दिख रहा है इस टर्म से ये टर्म कैंसिल इस टर्म से ये टर्म कैंसिल ठीक है और ये जो है ये हमने एफ को लिखा था तो इक्वल ये जो हमारा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड है इसके इक्वल आ गया एन एफ और यही हमें प्रूव करना था तो ये आइलर्स का जनरलाइजेशन हो गया थ्री वेरिएबल के लिए आइलर्स थ्योरम का प्रूफ हमने थ्री वेरिएबल के लिए कर लिया तो सिमिलरली इससे ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी प्रूफ किया जा सकता है जैसे सपोज़ यहाँ पे ये जो फंक्शन था हमारा तीन वेरिएबल का इसकी जगह ये चार वेरिएबल का होता तो एक्स वाई जेड इसके साथ में सपोज डब्ल्यू भी होता तो हम क्या करते एक्स के पावर एन कॉमन लेके इसे एफ ऑफ वाई अपोन एक्स जेड अपोन एक्स और डब्ल्यू अपोन एक्स लिखते ठीक है अब आ, वाई अपोन एक्स को सपोज हमने एक्स वन लिख दिया जेड अपोन एक्स को एक्स टू लिख दिया डब्ल्यू अपोन एक्स को एक्स थ्री लिख दिया तो ये यहाँ पे हमारे पास यू वी की जगह एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीन वेरिएबल बन जाते तो हर बार कैलकुलेशन में डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन डेल एक्स वन अपॉन डेल एक्स इस तरह से होता है ठीक है तो तीन से ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी मतलब एन वेरिएबल के लिए भी इसे प्रूव किया जा सकता है तो हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में आइलस थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चन तक कर लिया है अब एक टॉपिक टोटल डिफरेंशिएशन इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में बचा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं Thank you.